छिंदवाड़ा में एक बच्चे का अपहरण कर 25 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है और बच्चे को बरामद कर लिया। परासिया के चांदामेटा थाने के अंतर्गत कल रात एक बेकरी व्यापारी के 14 साल के बच्चे का अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बेकरी व्यापारी के यहाँ काम करने वाले एक युवक ने पैसे के लालच में यह काम को अंजाम दिया है। सिंहवाहिनी चौक स्थित राजा बेकरी के सामने से 14 वर्षीय बालक का अपहरण किया गया। बेकरी के मालिक महेश रंभाली ने पुलिस को बताया कि बालक के पास मौजूद उसके मां के मोबाइल से 25 लाख रुपए फिरौती का फोन भी आया, जिसके बाद वह तत्काल शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे। परिवार के अनुसार बालक घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन वहां रात को 11 बजे के बाद दिखाई नहीं दिया। काफी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। उसके बाद उसी मोबाइल से फिरौती के लिए फोन आया। पैसा ना देने पर बालक को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस को अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें रवाना कर दी हैं। इसके बाद पुलिस ने पास के जंगल से बच्चे को बरामद कर आरोपी को भी पकड़ लिया है। मैं नाके पास बैठा था तो बच्चा बुलाने आया, तो मैंने कहा बेटा चलो मैं आ रहा हूँ। उस बीच में मैं 15-20 मिनट आधे घंटे बाद फोन आया तो बोले रिमित आए नहीं, तो मैं भी गया घर। तो वहाँ से फिर मेरे को आधे घंटे करीबन बाद फोन आया जो मेरे बेटे के पास मोबाइल था, तो उसमें हम ख़त्म कर देंगे बच्चे 25 लाख। थाना चांदामेटा क्षेत्र में कल रात में एक अवयस्क बालक को अपहरण करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना चांदामेटा में अपराध पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है और अभी विवेचना जारी है, और हम जल्दी इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को अवगत कराएंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।